अखिल भारतीय शिक्षक संघ के आह्वान पर प्राथमिक शिक्षक संघ बागेश्वर ने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने सहित 5 सूत्रीय समस्याओं के निदान की मांग की है। समस्याओं के निदान की मांग को लेकर शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा धरना दिया। इस आशय का एक ज्ञापन भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाल करने, नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करने सहित 5 सूत्रीय समस्याओं के निदान की मांग की है। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निदान की मांग को लेकर विगत लंबे समय से आंदोलन किए जाते रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ये जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन, हम उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ अभी आंदोलन में हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में हम लोग पूरे देश में 23 नवंबर से और 27 फरवरी तक आंदोलन करेंगे। पहले चरण में हमने ब्लॉक स्तर पर और फिर दिसंबर में हम जनपद स्तर पर कर रहे हैं और जनवरी में हम राज्य स्तर पर करेंगे पूरे देश में, और फरवरी में, माह फरवरी में पूरे देश के शिक्षक दिल्ली में एकत्रित होंगे 7 दिन के लिए। हमारी मांग है कि जो सरकार ने, भारत सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन योजना के तहत आच्छादित किया, जो नई पेंशन पूरा कर्मचारी के साथ छलावा और धोखा है, उसके विरोध में हम लोग आंदोलनरत हैं। और उत्तराखंड में 2005 के बाद ये पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन की बहाली कर रखी है, तो हम सारे इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरी हमारी मांग है कि जो 6ठे वेतन आयोग की अनुशंसा है उनको पूरी तरह लागू किया जाए, और देश में अनुबंधित जो शिक्षक हैं, पैरा टीचर, उनकी पूरी नियुक्ति की जाए, उनको एक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति दी जाए। और तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो हमारा नया बना है इस बार, उसमें जो पूरी अनुशंसाएं, जो शिक्षक विरोधी अनुशंसाओं का है, उनके विरोध हम कर रहे हैं। और अगली बात हम कहते हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे बीएड करने के बाद ली जाती है, जब बीएड कर लेता है, 2 साल का बीएड करता है टीचर, उसके बाद उसको पात्रता परीक्षा, हम कहते हैं कि जो व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रहे हैं उससे पहले आप पात्रता परीक्षा प्रशिक्षण ले लें, ताकि वो बेरोजगार की लाइन में खड़ा न हो। जिसको इस शिक्षा व्यवसाय में आना है, पहले ही आप तय करके ले लें कि उसकी पात्रता परीक्षा पहले तय हो। इन 5 सूत्री मांग को लेकर हमारा पूरा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 3 लाख कर्मचारी शिक्षक आंदोलनरत है पूरे देश में। एक दिवसीय धरना जनपद स्तर पर, 1 दिवसीय ब्लॉक स्तर पर, 1 दिवसीय हमारा धरना हो गया है नवंबर में। अब 1 दिवसीय धरना हमारा राज्य स्तर पर चलेगा। फरवरी में हम 7 दिवसीय धरना हमारा दिल्ली में जंतर मंतर पर चलेगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन हमारा प्रारंभ किया गया है, जिसमें ब्लॉक स्तर से जनपद स्तर पर आज का धरना कार्यक्रम है। और 20 जनवरी को हमारे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का देहरादून में धरना प्रदर्शन होगा। इसके बाद 24 फरवरी को अखिल भारतीय प्राथमिक स्तर पर हम दिल्ली में धरना देंगे। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त नहीं, इसका अगले चरण का कार्यक्रम उसके बाद अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से जारी किया जाएगा। अगला कलम यह अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जो हमारा इंटरनेशनल एजुकेशन से भी जुड़ा है, ये कार्यक्रम हमारे केवल अखिल भारतीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि जो हमारे 171 देश हमारे इस संगठन से जुड़े हैं एजुकेशन इंटरनेशनल से, उनका भी समर्थन हमें प्राप्त है। आगे की कार्रवाई और आगे का आंदोलन का जो कार्यक्रम है वो अखिल भारतीय स्तर पर तय होता है। CCN News के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।